ये शादी नहीं, एक धोखा है। इसलिए हम इस रिश्ते को मानने से इनकार करते हैं। हमारे मान के लिए हम इस जैसी धोखेबाज लड़की को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। एकदम सही कहा भाभी माँ आपने, एकदम गिरे हुए लोग हैं ये। माँ प्लीज बस कीजिए। अरे हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। सौरभ मेरी आंखें अभी इतनी भी कमजोर नहीं हो गई है कि सामने होती गलत हरकतों को देख ना सके। मुझे पता है कि उस दिन यही लड़की थी। पर मम्मी जी हो सकता है कि आप जो कह रही हैं वो वैसा बिल्कुल हुआ ही ना हो। रिया तू चुप कर, अपनी सहेली की हिमायती बनने की कोई जरूरत नहीं है। मां बस कीजिए, मुझे पता है, मुझे पता है अगर उस दिन भूमि किसी से बात कर रही थी तो वो अंशी था। हाँ जैसे तुझे तो बता कर गई थी। अंश 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 तो बता ना इन सबको यार, भूमि उस दिन तेरे साथ थी। अभी बताएगा। अंश तू चुप क्यों है? अरे बोल ना, बता सबको। भूमि मैं भूमि से किसी कोई बात नहीं करना चाहता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी बात नहीं करना चाहता था। मुझे भूमि से बात नहीं करनी। अंश तू ये क्या बोले जा रहा है? एकदम सही कह रहा है ये कि जैसी चरित्रहीन लड़की से बात करके कौन अपना मुंह खराब करेगा। उम्मीद है आप सबको हमारे बेटे का जवाब मिल गया होगा। ये भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं। मुझे भूमि से कोई बात नहीं करनी। अच्छी लड़की रही है वो, मुझे भूमि से कोई बात नहीं करनी। वो अच्छी लड़की नहीं है। सुन यार, अच्छी लड़की नहीं है वो। तो ये क्या बोले जा, तेरा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अंश ने फिर से भी दिमाग खराब है क्या? हाँ पी है, मैंने पी है, नशे में हूं मैं। तेरे को क्या है? भाभी माँ आपने हमारी बेटी पर इल्जाम लगा के उसे गलत साबित कर दिया।
पर आप अपने इस बेटे के बारे में क्या कहेंगे जो अपनी शादी के दिन नशे में धुत खड़ा है? आप हमें सही गलत बता रही थी, अब आप ही बताइए क्या सही और क्या गलत है। आपके बेटे ने जो किया क्या वो सही है? वो शायद उसके दोस्तों की जबरदस्ती की वजह से हुआ है, पर उसने आप लोगों की तरह धोखा नहीं दिया किसी को। हमारे बेटे की छोटी सी गलती आपके गुनाहों को नहीं ढांक सकती विजेंद्र जी। उसने जो भी किया पर आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोला, कुछ छुपाया तो नहीं ना। हमारा फैसला अटल है, हम भूमि को स्वीकार नहीं करेंगे। शादी को नहीं मानते। अभी मां ऐसा मत करिए, आप अभी गुस्से में हैं ना, अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, शांत हो जाइए। हमारी बच्ची का क्या होगा भाभी मां? भाभी माँ, भाभी माँ, आप भूमि को मान की ब्याहता बनाकर इसे मंडप में छोड़कर नहीं जा सकती। इतना बड़ा धोखा करने से पहले आपको ये सब सोचना चाहिए था। लता, आप भी एक माँ हैं, तब जाइए ना भाभी माँ को। भाभी माँ, भाभी माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। भूमि के साथ साथ इसका असर हमारे मान पर भी होगा। लता, तुम उसकी चिंता मत करो, हम अभी जिंदा हैं उसके लिए, पर इनकी बेटी को हम अपने घर की दहलीज कभी नहीं लांघने देंगे। ये बात है का? सुन लो वसुंधरा जी, आपकी बेटी भी हमारे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। सुरभि हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। क्या जी? अगर आप भूमि को अस्वीकार करेंगी तो आप सुरभि की डोली भी वापस ले जाइए। गलती करने के बाद भी इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी शांति जी? बहुत बेतुकी बात है ये। बेतुकी बात हम नहीं, आप कर रही हैं। एक तो आपने गलत फोटो भेजी, फिर भी हमने आप पे विश्वास किया, और आपको हम पे भरोसा नहीं है। एक तो आपका भतीजा मंडप में नशे में झूम रहा है, अब फिर भी आप बोल रही हैं।
वसुंधरा जी, आपके इतने बड़े धोखे पे भी हमने आप पे विश्वास किया, आपके इरादे को समझा, आपको समझा, और आप हमारी बात ना समझ पाए। अरे हमने कोई गलत इरादे से हमारी बेटी से नौकरी ना करवाई थी, और वो भी आपके बारे में सोच सोच के उसने 2 महीने में नौकरी छोड़ दी, और वो 2 महीने उसके दादा दादी दोनों उसके साथ इंदौर में थे 24 घंटे, क्योंकि हम जानते थे कि वो किसी और के घर की अमानत है। अरे हमारी बेटी पे हमें पूरा भरोसा है, भरोसा। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे हमारी गर्दन शर्म से झुक जाए। पर आपको पता है वहां भी गलत आप ही का लड़का था, झूठ बोलकर रिया का भाई बनकर हमारे घर में आता था। और हमारी भूमि के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन हमारी भूमि मजाल है जो उसने उसकी तरफ आंख उठा के भी देख ली। अरे नहीं विश्वास होता तो पूछ लो अपने भतीजे से। अगर आपका इरादा इतना ही नेक था शांति जी, तो आपने शादी से पहले हमें क्यों नहीं बताया? हम मानते हैं कि फोटो को लेकर हमसे गलती हुई थी, पर शादी से पहले हमने सारी बातें साफ साफ की ना। अपने भतीजे को ऐसे हाल में देखकर हमें भी कोई खास खुशी नहीं हो रही है। मान को उसकी गलती की सजा तो हम जरूर देंगे, वैसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है मान से कि आपकी पोती से गठबंधन करा के हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। आपके परिवार को हम कभी माफ नहीं करेंगे शांति जी। ये बारात बिना दुल्हन के वापस जाएगी। प्रजापति खानदान आपके इस झूठे परिवार से इसी मंडप पे रिश्ता तोड़ता है। अग्रिम लता चलो यहां से। रुक जाइए बुआ, बुआ बुआ प्लीज शांत हो जाए। ऐसे ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा बुआ। मैं आपके फैसले पे उंगली नहीं उठा, बस बस मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप मेरी बात सुन लें, फिर आप तय कर लीजिएगा कि आपको क्या फैसला लेना। बुआ भूमि ही अंश की पसंद है, आज से नहीं बुआ बहुत पहले से। क्या भूमि वही लड़की थी जिसके लिए मान इतना परेशान था? क्या जी बुआ, मेरी और रिया की वजह से ही अंश भूमि से इंदौर में मिला। और वही अंश भूमि को पसंद करने लगा, लेकिन तब तक उसे यह नहीं पता था कि आप लोगों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। और भूमि सिर्फ अपने घर वालों के चक्कर में अंश को एक्सेप्ट नहीं की। और आज जब भगवान इन दोनों को मिला रहे हैं, तो बुआ मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इन्हें अलग मत कीजिए।
सौरभ चुप कर, बड़ों के बीच में अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। माँ जरूरत है, माँ जरूरत है कि बुआ के लिए सच जानना बहुत जरूरी है। बुआ, अगर अंश को भूमि नहीं मिली तो अंश मर जाएगा, समझे आप लोग? सौरभ, ये क्या बोल रहा है तू? दादी, मैं सच कह रहा हूँ। बुआ, बुआ इतने दिनों से जो अंश परेशान था, उसकी वजह भूमि है। अंश, क्या सौरभ सही कह रहा है? तू पहले से जानता है भूमि को? प्यार करता है उसे? तू पहले से जानता है भूमि को? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। नहीं, मैं किसी भूमि को नहीं जानता। तू क्या कह रहा है यार? पागल हो गया है क्या? अरे ये तेरी भूमि है यार, तेरा प्यार। और जब तुझे तेरा प्यार मिल रहा है, उसे क्यों नकार रहा है? भाई, मैंने कहा ना, तेरा भूमि से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है मान की बात आप सब लोगों ने सुन ली होगी। उसे भूमि से कोई रिश्ता नहीं रखना। अब हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे, फिर भले ही हमें अपनी बेटी की डोली वापस क्यों ना ले जानी पड़े। भाभी माँ, प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। भाभी माँ प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए भाभी माँ। भाभी माँ, मेरी बेटी टूट जाएगी। मेरी दुविधा समझ लीजिए प्लीज भाभी माँ। सुमन, सुरभि को लेकर आओ। भाभी माँ, सुरभि की शादी हो चुकी है, अब गुस्से में। अग्रिम, हमने कहा गाड़ी निकालो। हमारी बहू कहीं नहीं जाएगी वसुंधरा जी। आपके लिए शायद शादी जैसे पवित्र बंधन का कोई मोल ना हो, लेकिन हमारे परिवार में पवित्र चीजों का अपमान नहीं किया जाता। शांति जी ने सुरभि को अपनाने से इसलिए मना कर दिया था ताकि आपको एक मां का दर्द का एहसास हो। हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपके अंदर दिल नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, पत्थर है, सिर्फ पत्थर। जो ये मासूम बच्चों की खुशियों का गला घोट रही है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बड़ों की गलती की सजा
इन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। आपकी इन बातों का हम पे कोई असर नहीं होगा शुक्ला जी। सुरभि को अपनाना या ना अपनाना ये आपकी मर्जी, पर जिसकी रगों में सिर्फ झूठी हो ऐसी लड़की को हम प्रजापति खानदान का नाम कभी नहीं देंगे। भाभी माँ इस तरह से बारात लेके वापस मत जाइए, हमारी बेटी को इस तरह से छोड़ के मत जाइए, मत जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी माँ।